हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हो आप 1.2 का थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे दो पार्ट में है और सेकंड पार्ट के भी तीन पार्ट है, कोई बात नहीं है, हम आपको रीड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड का फर्स्ट, फॉर एनी इंटीजर ए, कोई इंटीजर ए है, व्हाट इज अ -1 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू, -1 की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो क्या आएगा। तो ए पार्ट देख लो आप पहले, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का हमारा फर्स्ट जो बोलता है जब हम -1 की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो बोल रहा है को क्या इंटीजर आएगा। देखते हैं हमारा क्या आएगा, जब हम -1 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई सपोज मैंने कर दी, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो आंसर क्या आया, 2। अब 1 की मल्टीप्लाई हमारी ए से हो रही है, माइनस को छोड़ो अभी फिलहाल, 1 की मल्टीप्लाई ए से हो रही है तो ए आ गया। अब बस मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दे, अब लगाएंगे रूल अपना, एक इंटीजर हमारा माइनस में था, एक पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव, इसका सिंबल कुछ नहीं है तो पॉजिटिव होगा, तो सिंबल क्या आएगा, माइनस ए। तो इस टाइप से इसका आंसर होने वाला है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, पूछा जा सकता है एग्जाम में, 1 मार्क्स में आपको कितने भी मार्क्स दे सकता है इस क्वेश्चन के वो, ताकि आज क्लास जो चल रही है आपकी 7 है, और बड़ी क्लासों में तो ये बहुत छोटे छोटे चीजें रहती है जो एक एक मार्क्स में पूछता है और वे आगे चल के भूल जाते हैं हम। नोट करें आप थर्ड का फर्स्ट, तो देखो थर्ड का फर्स्ट तो हो चुका है, आप थर्ड का सेकंड देख लेना। थर्ड का सेकंड, सेकंड क्वेश्चन है और ए पार्ट, इसका ए पार्ट, थर्ड के सेकंड का ए पार्ट। तो क्या बोलता है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 की मल्टीप्लाई, इन तीनों से करके देखने हैं। तो -1 की मल्टीप्लाई जब हम -21 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो 21 तो आएगा ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो रही, अब दोनों इंटीजर माइनस में थे तो क्या हो जाएगा, सिंबल पॉजिटिव, जैसे कि हमने कुछ सिंबल लगाना ही नहीं है, इंटीजर का रूल लगाते हुए जब प्रोडक्ट करते हैं हम किसी का। अब बी पार्ट देखो इसका, -1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है इस बार, 37 से, तो 37 तो कंफर्म है, बस अपना रूल चेक कर लेना प्रोडक्ट वाला इंटीजर को लेकर। अब एक प्रोडक्ट, एक इंटीजर हमारा माइनस में, दूसरा पॉजिटिव, तो हमारा सिंबल आ जाएगा माइनस का, जब इसको आंसर आ जाएगा इसका। सी पार्ट देखना इसका, शायद दिख जाएगा आपको, इतना तो बोर्ड आ रहा होगा आपके के लिए। तो जब हम करेंगे -1 की मल्टीप्लाई 0 से, बोर्ड तो शायद आ रहा होगा कैमरे में, इतना शायद कंफर्म ही है, वैसे मैं नीचे तक थोड़ा और रखूंगा नेक्स्ट टाइम आपके लिए, ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे। -1 की मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे हम, अब 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं हम, जैसे कि आप बताया गया था 0 की मल्टीप्लाई अगर कहीं भी हो प्रोडक्ट में, कहीं भी रखा हो 0, तो वो पूरा 0 बना देता है और उसमें सिंबल उम्बल भी कुछ चेक नहीं किया जाता है, तो आंसर इसका 0। इस टाइप से इसका सोल्यूशन हो रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप वैसे ही नोट करें जैसे मैंने आपको कराए हैं, आपके फुल मार्क्स आएंगे, कभी कोई काट नहीं पाएगा। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में मैं इतना ही रखूंगा, बहुत जल्द मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।